अच्छा चलें ये बताएं ये क्या है। ये एक ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का एक स्केच है। तो प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने के लिए पहले प्रोग्रामिंग आपके जहन में होनी चाहिए और उसके बाद आप प्रोग्रामिंग आपके फिंगर्स के ज़रिए होनी चाहिए, मतलब पीसी या सेलफोन पे होनी चाहिए। तो ब्रेन में प्रोग्रामिंग से मुराद है आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग स्किल्स। तो जो आपने प्रोग्राम बनाना, जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया माई फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हमने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट करवाया, तो वो स्केच आपके पहले ब्रेन में बनना चाहिए। बड़ा आसान है, आइज़ क्लोज करें और सोचें आप क्या लिखना चाह रहे हैं। माई फर्स्ट प्रोग्राम आपको वो लिखा हुआ नज़र आएगा आंखें बंद करते हुए भी, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाक पतन, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो वो स्केच आपने ब्रेन में बनाना है, सिर्फ आउटपुट का। कोड जो है वो आपके फिंगर्स का काम है, वो उससे आपका ताल्लुक नहीं है, दिमाग की इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन आपने ये करनी है कि आप प्रिंट आउट क्या करवाना चाह रहे हैं, आपका जो कोड है वो किस तरह नज़र आएगा यूज़र को, या आपको जब आप F11 प्रेस करेंगे तो वो किस तरह रन होके नज़र आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक हिस्सा है। अगर आप इस पे, और बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं, आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स से इस चीज़ को स्केच बनाने में लगाएं कि ये किस तरह हमने करना है। और यकीन करें ये आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सो इस प्रोग्राम के लिए हमारा स्केच है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो उसी तरह मैंने इसे सेव किया, आप देख सकते हैं कि ऊपर lecture1/2, मतलब दूसरा प्रोग्राम एवरेज ऑफ 2 नंबर्स .cpp, और उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस और इंट मेन, और ये उसका नीचे। अब हमने इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। सो सबसे पहले तो हम चलें एक मैसेज शो करवा सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। अब हम आते हैं ब्रेन, दोबारा ब्रेन इमेजिनेशन पे। हम चाहते हैं एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर चाहिए। अब 2 नंबर जो हैं वो हम या तो खुद दे सकते हैं या हम यूज़र से ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है तो अभी हम खुद ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी, अब हमारी इनपुट स्टार्ट होगी। मैं कहता हूँ कि इंटीजर है ए जिसकी वैल्यू है 5, इंटीजर है बी जिसकी वैल्यू है 7, और इन दोनों नंबर्स का मैं एवरेज लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँगा। फॉर्मूला क्या है एवरेज का? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन है कि ये वैल्यू स्टोर किस में होगी, यानी मैंने प्रिंट करवानी है तो ये किसी में स्टोर भी होनी चाहिए। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी, चाहे आप इसको यूँ कर लें कि सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अभी तक हमने इसकी परमिशन नहीं ली। तो आप इसकी इंटीजर सी लिख के परमिशन ले लें कि ये भी हमें चाहिए। और यहाँ पे आपने ये ध्यान से रखना है, क्योंकि यही एरर यूजली होगा कि आप ये भूल जाएंगे। अब देखें, अब दोबारा हम ब्रेन इमेजिनेशन पे जाते हैं कि मैंने 2 नंबर्स लिए, 3 नंबर्स लिए, जिसमें से 2 की वैल्यूज़ दे दी और 1 की वैल्यू मैंने रखी कि जो कि बाय फार्मूला मुझे मिलेगी। ये मैंने फार्मूला लगा दिया, यानी ये आपका हो गया इनपुट, ये आपका हो गया प्रोसेस, और ये आपके आउटपुट का मैसेज। अब हमें वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसके पास है? वैल्यू सी के पास है। तो अगर हमने देखा कि सी आउट अगर आप यूँ लिखते हैं तो क्या होगा, अगर आप इसको इसके अंदर रखते हैं तो वो एज इट इज़ स्टोर होगा। तो अगर हम इसको इसके अंदर नहीं रखते, मिसाल के तौर पर मैं यूँ लिखता हूँ सी आउट और सिर्फ सी लिखता हूँ, अब इससे मुराद क्या है कि जो भी सी की वैल्यू होगी, जो कि बदल सकती है ए और बी की वैल्यू के साथ, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो फिर हमें वो प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो ये देखें एवरेज ऑफ 2 नंबर्स 6। अब क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी तो इस वजह से वो साथ साथ है, तो आप उसको सेट कर लें। सो ये एवरेज ऑफ 2 नंबर्स यूँ कर लें, और दोबारा F11 प्रेस करें तो आपका वो स्पेस वहाँ पे आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे स्पेस आ गई है।